मैंने आटा गूंद लिया है। जैसे मैंने बैटर तैयार कर लिया आलू का, तो चलिए आलू की बनाते हैं रोटी, तंदूर वाली। तो चलिए मैं बनाती हूँ रोटी। तो इधर मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, तो इसे मैं बनाऊंगी। चलिए मैं आटा ले लेते हैं। थोड़ा सा घी लगा देंगे। इसमें हमने जो बैटर तैयार किया है आलू का, उसे करेंगे स्टोव। अच्छी तरह से स्टफ कर लेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा धुरा लगा देंगे। उसे हाथ में लेंगे, उसे ऐसे बेल लेंगे, इस तरह से आपकी रोटी कभी फटेगी नहीं। तो आज मैं बनाऊंगी तंदूर वाली विदाउट ऑयल। विदाउट ऑयल बनाएंगे हम तंदूर वाला पराठा। तो चलिए इसे फटाफट बेल देते हैं। ऑयल खाली खा खा के ना मन नहीं करता, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि हम आज आलू वाली बनाएंगे और बनाएंगे विदाउट ऑयल तंदूर वाली, थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे तंदूरी कुलचा, तंदूरी रोटी। चलिए मैंने इसे बेल लिया। ये पैन हो गया गरम, इसमें थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं। तो पानी इसी तरह से हमने तो पानी गिरा दिया, इसी तरह से गर्म है। फिर हमने रोटी जो बेली है इस पर भी हमने एक साइड में अच्छी तरह से पानी लगा देंगे। अच्छी तरह से हमने पानी लगा देना, इसे ऊपर से कवर कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसे कवर रखेंगे। इसमें ही सेक के बनाएंगे इसे, इसमें 2 मिनट के लिए रखेंगे। ढक्कन उतार दिया है, तो इसे उल्टा करेंगे, इसे उल्टा देंगे। इसके ऊपर ही इसे रटने देंगे। इस तरह से सिकने देते हैं इसे, थोड़ा सा इसे घुमा देंगे, चारों तरफ से सिक जाएगी। इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्लास हमारी आलू वाली रोटी तैयार हो गई है। इसे हम निकालेंगे बाहर, इसे निकालेंगे, इसे थोड़ा सा तवे पे गैस पे सेक लेंगे अच्छी तरह से। तो मेरा आलू वाला मस्त पराठा देखिए पीछे से भी देखिए तैयार हो गया। तो चलिए हम और बना लेते हैं।
इसे निकाल देंगे बाहर, इसे और बना लेंगे, इसे निकाल देते हैं। इसे बाहर निकाल देते हैं। फर्स्ट क्लास आलू की रोटी तैयार हो गई है। इसे कवर कर देंगे। तो हम और बना लेते हैं। तो हम इसमें और रोटी बना लेते हैं इस तरह से। इसमें नो नीड ऑयल की जरूरत नहीं होती, तो बिना ऑयल के हेल्दी रोटी बन जाती है। इसे भी उसी तरह से बेल लेंगे। चलिए इसे भी हम सेक लेंगे। तैयार हुई। इसमें हम एक साइड पे पानी लगा देंगे, पानी से हमारी रोटी चिपकती नहीं। अब इसे तवे पे भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें लगा देंगे। इस तरह से कवर कर देंगे। बस थोड़ी देर में रोटी तैयार हो रही है। तैयार हो गए हमारे आलू के पराठे। चलिए इसे आप अचार से खाएं, दही से खाएं, चटनी से खाएं, चाय से खाएं। वाह, यमी यमी, बहुत ही मस्त। अरे वाह, रोटी खाएं और मस्त हो जाए।